गया जिले के इमामगंज प्रखंड संसाधन केंद्र में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस संबंध में बीईओ व बीआरपी ने बताया कि प्रखंड के सभी विद्यालयों से एक लड़का और एक लड़की को चयनित किया गया। साथ ही बताया गया कि विज्ञान मेला एक स्पर्धा है जिसमें प्रतिभागी छात्र छात्राएं अपनी अपनी विज्ञान परियोजना प्रस्तुत करती हैं। शपथ लिए हैं, भीमराव अम्बेडकर कोई मानते हैं उसके बाद संविधान से अलग ही क्यों जाते हैं, क्यों हिंदू या ब्राह्मण या किसी को गाड़ी देना, संस्कृति धर्म या हिंदू को गाड़ी देना। हम लोग का हिंदू बहुल राष्ट्र है, यहाँ हिंदू की बहुलता है और यहाँ ये मानने वाले हिंदू धर्म है, यहाँ हिंदू रहेंगे, हिंदू का धर्म है। इनको कोई विरोध नहीं करेगा तो हम लोग उसका विरोध करते हैं, चाहे कोई पार्टी हो किसी हो, हम लोग को पार्टी से मतलब नहीं है। व्यक्ति अगर कोई विरोध करता है तो हम लोग उसके खिलाफ और इसकी रणनीति हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगला बार कोई भी कुछ करेगा तो हम लोग। आप लोग उनको स्पेशली बुला करके यहाँ वोट दिए थे तो क्या समझ करके दिए? नहीं, वोट दिए तो बुला करके दिए, अच्छा अगर है ठीक है, अगर गलत करेगा तो गलत करने वालों को तो सजा मिलेगा ही। वही आपका लड़का अगर ठीक है तो ठीक है, गलत करेगा तो उसको सजा आप नहीं दीजिएगा। तो ये हमारे यहाँ आए, इज्जत हुआ और इज्जत का ही परिणाम हुआ कि समाज को ही गाली दे रहा है और धर्म संस्कृति को। ऐसे लोगों के लिए तो भाई शर्म को भी शर्म आ जा रही है। हम लोग तो ऐसा बोलते नहीं है, संवैधानिक शब्द का प्रयोग करना तुच्छ बुद्धि का परिचय है। इसका मतलब तो संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, पूरे विश्व का अपमान। क्या मान लीजिए कुछ ऐसा बोल जाए कि आप लोग के खेत पहुँच गए? जब उन्होंने सत्यनारायण का अपमान किया, ब्राह्मणों के लिए हरामी शब्द का प्रयोग किया, तो हरामी तो गाली, भारतीय संविधान में किसी को गाली देना तो घोर अपमान, संविधान का अपमान उन्होंने किया। काफी उम्मीद के साथ अब लाए थे उनको, यहाँ पहुंचे थे, काफी उम्मीद के साथ लाए थे जिता करके। अरे भाई हम लाए थे तो हम तो अच्छे आदमी को बराबर पूछते हैं, जब हम जब देखें कि उनमें गुण है लाए, और जब हमारे विरोध में है, संस्कृति धर्म के विरोध में, ब्राह्मणों के विरोध में, संविधान के विरोध में, तो अपना ही बेटा गलती करेगा तो दंडनीय नहीं है क्या? इसके लिए कह रहा हूं ना यार, जब अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है तो हमारी नीति है ना। प्रथम कि अपने नाम से राम हटाए, क्योंकि राम को कहा है उन्होंने काल्पनिक ही, और दूसरी बात हम लोग उनको वोट दे के यहाँ का सत्ता रखाए, हम लोगों ने उनको विधायक बनाया। एहसान फरामोश कौन है जो हजारों बरस की संस्कृति ध्वस्त की, जो इसका इतिहास है, उसके ऊपर लांछन लगाना जीतन राम मांझी को शोभा नहीं देता है। और जीतन राम मांझी इतना जो उनको वोट दे के जिताया और जिनके प्रति जिसके प्रति वो कृतज्ञता का भाव रखते हैं, वो या जो कृतज्ञ हैं वो